आप सभी दोस्तों को मीठी मीठी राम राम। दोस्तों, मैं आपका अजीज साथी रमेश सोनी आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ मुद्दों की बात लेकर। इस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। लगभग सभी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है सत्ता हासिल करने के लिए। झूठे फरेब न जाने कितने वादे किए जा रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो ये करेंगे, हम सत्ता में आए तो वो करेंगे। दरअसल मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये लोग झूठे वादे क्यों करते हैं। आज देखिए, कोरोना का दौर है, 2 साल से लगभग पूरे हो जाएंगे, मार्च में 2 साल पूरे हो जाएंगे, 2021-22 में हम अभी चल रहे हैं। 2 साल से कोरोना का दौर है। इन 2 सालों में तमाम स्कूल कॉलेज बंद हैं, नेताओं को सरकारों को कोई चिंता नहीं है स्कूलों के कॉलेजों के बंद होने से। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बस नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और कुर्सी पाने में लगे हुए हैं। पूरे देश में के 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं हाल ही में, उनमें चुनावी रैलियां हो रही है, हजारों लाखों की तादाद में भीड़ एकत्रित होती है, वहां कोई कोरोना नहीं है। बड़े बड़े मेले लग सकते हैं, वहां कोई कोरोना नहीं है। महज एक स्कूल खुलने से इन्हें खतरा है कि कोरोना हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सरकारें, ये राजनेता हमारे और आपके बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं? जब चुनावी रैलियां हो सकती है तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकते पूरी मात्रा से, पूरी तरह से? वोट डालने से पहले इसका मंथन करें और जब नेता आपकी गली में मोहल्ले में वोट मांगने आए तो उससे ये बात जरूर पूछें कि जब चुनावी रैलियां हो सकती है तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल सकते। कहीं ऐसा ना हो इस राजनीति के चक्कर में हमारे और आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएं। इस पर विचार करें।